ल्यूमिक्स S5 Mark II एंड S5 Mark II X में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसको कि हम कहते हैं हाई रेजोल्यूशन मोड। इसमें आप 24 मेगापिक्सल के सेंसर के होते हुए आप 96 मेगापिक्सल की फोटो खींच सकते हो। इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो हिडन हैं। इसका जो आईबिस है, जो इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन का फीचर है, उस आईबिस को यूज करते हुए कैमरा 8 डिफरेंट फोटोज खींचता है एंड हर फोटो के बीच में जो सेंसर है वो हाफ मेगापिक्सल से शिफ्ट होता है। तो फाइनली जो रेजोल्यूशन मिलती है वो 4 times की रेजोल्यूशन मिल जाती है। तो 24 मेगापिक्सल की जगह 96 मेगापिक्सल की आपको इमेज मिलती है। सबसे पहले मेन्यू में चल के देखते हैं कहां पर। ये मैं फोटोग्राफी के मोड पर हूं जिसमें मैनुअल मोड पे मैंने सेट किया हुआ है, बिकॉज ये फोटो का फीचर है इसीलिए मैंने फोटो मोड पे ही रखा हुआ है कैमरे को। उसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ही है मेन्यू में, जो कि रेड कलर का कैमरा बना हुआ है, उसमें फर्स्ट सब मेन्यू में 6th ऑप्शन में मिलेगा हाई रेजोल्यूशन मोड सेटिंग। इसको अगर हम क्लिक करते हैं देन आपको ऑप्शन मिलती है हैंडहेल्ड हाई रेजोल्यूशन। अगर आप ट्राइपॉड पे सेट करके शूट कर रहे हो देन आप इसको ऑफ रख सकते हो या आप ऑन भी रख सकते हो। पिक्चर क्वालिटी आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। इसको आप क्लिक करोगे देन आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। सबसे पहली ऑप्शन है कंबाइंड, ये है जो कि आपकी मेन्यू में डिफॉल्ट सेटिंग हुई है पिक्चर क्वालिटी की, चाहे वो रॉ हुई है चाहे वो जेपेग हुई है, उसी सेटिंग को लेके ये इमेज क्रिएट करेगा यहाँ पर। उसके बाद आती है फाइन, जो कि फाइन क्वालिटी की फाइन मोड की जेपेग इमेज यहाँ पे शूट करके देगा। रॉ प्लस फाइन, जिसमें रॉ भी शूट करेगा एंड जेपेग भी शूट करेगा एंड सिर्फ रॉ भी शूट करेगा। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ इधर रॉ या रॉ प्लस फाइन। अगर मुझे ये पता भी है कि मैंने डिफॉल्ट मेन्यू में रॉ को सेट किया हुआ है, मैं तब भी यहाँ पर आके रॉ को सिलेक्ट इसलिए करता हूँ कि आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस कि एक्सीडेंटली अगर मैंने डिफॉल्ट मेन्यू में जेपेग सेट दिया हुआ देन यहां पर भी मेरे को फाइनल में जेपेग भी मिल जाएगी। तो अगर मुझे ऑप्शन मिल रही है देन मैं यहां से रॉ या रॉ प्लस फाइन को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ऑप्शन है साइमल्टेनियस रिकॉर्ड नॉर्मल शॉट। ये है कि अगर आप चाहते हो कि कैमरा हाई रेजोल्यूशन मोड के साथ साथ ही एक आपको जो नॉर्मल रेजोल्यूशन की जो पिक्चर है वो भी शूट करके दे, देन आप इसको ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको ऑफ भी करके रख सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन आती है शटर डिले की। मैं जनरली 2 to 4 seconds रखता हूं, वो मुझे टाइम मिल जाता है कि मैंने शटर प्रेस किया और उसके बाद मैं हाथ को स्टेडी कर लूं, स्पेसिफिकली अगर मैं हैंडहेल्ड शूट कर रहा हूं तो। बट इसमें ऑप्शंस बहुत हैं, आप यहां से देखिए 1/8 of a second, 1/4, 1/2 second, 1/2 से लेते हुए आप 30 seconds तक का शटर डिले कर सकते हो। और अगर आप हैंडहेल्ड जो हाई रेजोल्यूशन मोड को ऑफ कर देते हो, जिसमें कि आप ट्राइपॉड पे सेट करके शूट कर रहे हो, देन आपके लिए एक ऑप्शन और खुल जाती है, वो है मोशन ब्लर प्रोसेसिंग। इसमें है मोड 1 एंड मोड 2। मोड 1 में अगर आप आते हो तो मोशन ब्लर अपीयर्स एज आफ्टर इमेज इन द प्रोसेस। मतलब अगर आप किसी लैंडस्केप की फोटो खींच रहे हो, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, पत्तियां हिल रही हैं, देन वो जो ब्लर है वो रिकॉर्ड होगा एंड इमेज में भी वो दिखेगा। एंड मोड 2 में अगर आप आते हो, जो मोशन ब्लर है उसको मिनिमाइज कर देता है कैमरा। एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि अगर ज्यादा मोशन ब्लर आ रहा है, ज्यादा मूवमेंट आ रही है आपके रिकॉर्डिंग के टाइम पे, विंड ज्यादा है, स्ट्रांग है, देन आपको थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स आने के चांसेस हैं। सो वो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि डायल मोड पर जो आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन, वो ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके चलनी है जिसमें कि ओवरले 2 layers टाइप की कुछ दिखा रहा है। ये आपकी हाई रेजोल्यूशन मोड को शूट करने की ऑप्शन है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे देन कैमरा हाई रेजोल्यूशन मोड में सेटिंग करने के बाद भी मेन्यू में आपको हाई रेजोल्यूशन मोड की फोटो खींच के नहीं देगा। अब हम शूट करके देखते हैं। मैंने लेंस के ऊपर एक नेकलेस को टांगा हुआ है, हैंग किया हुआ है, इसको हम शूट करके देखते हैं। एंड इसको पहले मैं शार्प फोकस अचीव कर लेता हूं, उसके बाद मैं शटर बटन को प्रेस करूंगा। तो वो क्रिएटिंग हाई रेजोल्यूशन इमेज आ गया। और इतना ही सिंपल है हाई रेजोल्यूशन इमेज को खींचना। अब आप ये देखिए, जो कि मैंने कंपैरिजन बाकी इमेजेस खींच के भी किए हैं, इसको आप देख के कंपैरिजन खुद ले लीजिए।
इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्दी आपके लिए ल्यूमिक्स लेसन्स में एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम आप क्रिएट करते चलिए एंड हमें इंस्पायर करते चलिए। टेक केयर, गुड बाय।